खबर मथुरा से, एक लड़के पर कोसीकला की बठैन गेट पुलिस चौकी पर तमंचा लहराने और फिर अपने भाई को गोली मारने का आरोप है। गोली लगने से हुकुम सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गया, उसे अस्पताल ले जाया गया। गोली मारने के बाद आरोपी मंगल सिंह फरार है। मंगल सिंह पर आरोप है कि अक्सर ही वो शराब पीकर हंगामा करता है और इसी हंगामे के दरमियान उसने अपने भाई पर गोली चला दी। और अगली खबर झांसी से, जहां पर ज्योति मौर्य जैसा मामला सामने आया। एक शख्स जो कारपेंटर का काम करता है, उसका दावा है कि लेखपाल बनने के बाद उसकी पत्नी छोड़कर उसे चली गई। आज ही लेखपाल का नियुक्ति पत्र मिला। शख्स का दावा है कि उसकी शादी 2022 में हुई थी, लेकिन अब लड़की यानी कि उसकी पत्नी साथ रहने को तैयार नहीं है। कारपेंटर का काम करने वाले शख्स का कहना है कि उसने लड़की को लेखपाल की तैयारी के लिए पैसे भी खर्च दिए, सारी सुविधाएं दिए, लेकिन लेखपाल बनते ही उसने साथ रहने से इनकार कर दिया। शख्स के मुताबिक उसके पास शादी के सारे कागजात हैं, लेकिन अब उसकी पत्नी उसे अपना पति मानने को तैयार नहीं है। सर, हमें जी समझ में नहीं आया। माँ बाप के भड़काने पे माँ बाप ने सोचा कि अब तुम्हारी नौकरी लग गई, तुम एक छोटे कारपेंटर हो, अब वो लेखपाल लेखपाल बन गए, अधिकारी लाइन में आएंगे। इसलिए तो आपको कितना दुख हो रहा है सर जी? दर भटक रहा सर जी हर जगह। कैसे आपने उसको पढ़ाया, कुछ याद है आपको? क्यों आप रो रहे हैं? आंखों में आपको क्यों आ रहा है? नहीं, कैसे पढ़ाया, कुछ याद है आपको? सर जी, हमने हर मदद की है। कैसे मदद करते थे? हर जगह जिन्हें जाना, कहाँ जाना, कहाँ ले जाना, हर जगह जाती थी। जिनका कोचिंग करना है, ऑनलाइन कोचिंग करना है, खान सर की कोचिंग करना है, वो कोचिंग करना है, भाई करो सब कुछ जो करना है तुम्हें। आप बहुत मेहनत करते थे। हाँ सर, कारपेंटर का काम है हमारा सर। तो आपने कारपेंटिंग करके उनको बना दिया? हाँ, आज वो बन गई, हमें आज थोड़ा रही। कब से दौड़ा रही आपको ये? जी 18 जनवरी से दौड़ा रही बराबर। आप क्या कह रही हो? कोतवाली में मुलाकात हुई थी, कोतवाली साहब से ये कह रही थी कि शपथ पत्र दे के आओ कि हमारी कोई शादी नहीं हुई, शपथ पत्र में लिख के आओ कि हमें कोई शादी नहीं हुई, कैसे शपथ पत्र दे दें। उत्तर प्रदेश में ज्योति मौर्य SDM बनने के बाद काफ़ी मामला चर्चित में आया था। इसके बाद लगातार मामले सामने आ रहे हैं। आज झांसी में 110 लेखपालों को जो नियुक्त हुए थे उनको नियुक्ति पत्र बांटे गए। ऐसे में एक मामला सामने आया है जिसमें एक शख्स का दावा है कि जिस एक लड़की है अंदर जो उसकी पत्नी है, और उसको आज लेखपाल का नियुक्ति प्रमाण पत्र मिला है और उसकी पत्नी ने लेखपाल बनने के बाद उसको छोड़ दिया है। ये वो शख्स हैं जिनका दावा है कि उनकी पत्नी, नाम क्या है? मेरी पत्नी का नाम है ऋचा सोनी विश्वकर्मा। ऋचा सोनी, और आपका नाम? नीरज विश्वकर्मा। नीरज विश्वकर्मा ये कारपेंटर हैं। इनका ये दावा है कि इन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया, और जब वो लेखपाल बन गई तब उसने इनको छोड़ दिया। फिलहाल नीरज अब अपनी पत्नी से मिलने झांसी के कलेक्ट्रेट में आए हैं जहाँ पर नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। फिलहाल मामला पारिवारिक न्यायालय में है। अब देखने वाली बात यह होगी कि लेखपाल बनने के बाद इस पूरे मामले में किस तरह का फैसला आता है।